हाल ही में लोगों का इंतजार खत्म ही हुआ था Realme 3 को लेकर के और उन्होंने Realme 3 के लॉन्च इवेंट में एक और नया फोन सामने रख दिया जिसका नाम है Realme 3 Pro। ये जो फोन है आपको मिलने वाला है अप्रैल के महीने में। इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी जो प्राइस क्या होने वाली है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है Realme 3 Pro को लेकर के तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में लोगों का इंतजार खत्म हुआ था Realme 3 को लेकर के और उन्होंने एक और अपना नया फोन बता दिया जिसका नाम है Realme 3 Pro। ये जो फोन है टक्कर देने वाला है Redmi के Note 7 Pro को, क्योंकि उन्होंने अपने लॉन्च इवेंट में क्लियरली बोला था कि जो Redmi का Note 7 Pro है इतने प्राइस में काफी अच्छा फोन है और उसी को टक्कर देने के लिए आपका ये Realme 3 Pro आने वाला है। डिस्प्ले के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ओप्पो का एक फोन आया था जिसका नाम था ओप्पो K1। वैसे आपको पता है दोनों अलग अलग काम करती है लेकिन कंपनी तो एक ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ओप्पो की तरफ से फोन मिला था ओप्पो K1 जिसमें आपको डिस्प्ले जो मिली थी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिली थी, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिला था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिला था जो कि 15,000 से 16,000 रुपए में काफी अच्छा फोन था वो वाला। इसकी अगर मैं बात करें तो यहाँ पे भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगी और इसमें भी आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसके रैम और रोम के बारे में तो जैसे कि आपको पता है Realme 2 Pro आया था उसमें भी आपको तीन वेरिएंट देखने को मिले थे, 4GB 64GB 6GB 64GB 8GB 128GB। वही सेम वेरिएंट आपको इसमें भी देखने को मिलने वाला है 4GB 64GB 6GB 64GB 8GB 128GB। हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि Realme का जो 3 आया था उसमें आपको हीलियो का P70 प्रोसेसर देखने को मिला था, लेकिन आपको ये पता है अच्छी तरीके से कि ये जो फोन है Redmi के Note 7 Pro को टक्कर देने वाला है, तो उसमें Redmi के Note 7 Pro में आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon वाला 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है और उसको टक्कर देने के लिए बनाया तो कहीं ना कहीं ऊपर इसका प्रोसेसर होने वाला है। तो इस फोन में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो Qualcomm का Snapdragon वाला 710 प्रोसेसर मिलेगा या 712 प्रोसेसर मिलेगा, इन दोनों में से एक ही प्रोसेसर मिलेगा ये कंफर्म है। इधर नए आ गए हो, सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को बजा डालो। बात करें तो इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और प्रोटेक्शन के बारे में तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि Redmi का Note 7 Pro आया था उसमें आपको डबल ग्लास देखने को मिला था, तो इस फोन में भी आपको डुअल ग्लास देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फोन है आपको मेटल की बॉडी के साथ देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कलर OS 6 पे काम करेगा जो कि Android 9 Pie पर वर्क करता है। दोस्तों अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो कर दीजिए क्योंकि अटेंडेंस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग इस फोन की बैटरी के बारे में तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि इस फोन में ये कंफर्म है कि आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो बैटरी होने वाली है वो 4000 mAh की या 4500 mAh की बैटरी होने वाली है और ये बताया जा रहा है कि ये बूट चार्जिंग के साथ आएगा जो कि आपका आता है OnePlus 60 में आपको बूट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिला था और OnePlus 60 कहां से लेता है ओप्पो से ही लेता है और आपको पता है ये भी कंपनी कहीं ना कहीं ओप्पो की है तो इसमें हो सकता है आपको बूट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए जो कि काफी अच्छा है। इसके लिए मेरी तरफ से एक थम्स अप। बात कर लेते हम लोग इस फोन के कैमरा को लेकर के तो मैं आपको बता दूं कि माधव सेठ ने अपना क्लियरली बोला था कि हमें यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करना है, कैमरे से कोई मतलब नहीं है, तो हो सकता है इस फोन में आपको Redmi Note 7 Pro जैसा 48 मेगापिक्सल कैमरा ना देखने को मिले, मिल भी सकता है। वैसे ये कंफर्म है आपको इस फोन में डुअल कैमरे देखने को मिलेंगे बैक में जो कि 16+5 मेगापिक्सल का होगा या 48+5 मेगापिक्सल का होने वाला है। साथ ही साथ बात कर लेते इसके फ्रंट कैमरे को लेकर के तो मैं आपको बता दूं कि Realme का U1 आया था उसमें आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था और 25 मेगापिक्सल का Realme का U1 कैमरा काफी अच्छा कैमरा है और इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि थोड़ा सा भी कैमरा बेकार है और इस फोन में भी आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। फाइनली बात करते हैं हम लोग इसकी प्राइस को लेकर के तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो फोन है Redmi Note 7 Pro को टक्कर देने के लिए आने वाला है क्योंकि Redmi Note 7 की जो प्राइस है वो 14,999 रुपए मतलब आपको 15,000 रुपए में देखने को मिलता है, तो ये कंफर्म है कि ये फोन आपको 15,000 रुपए से थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा, हो सकता है 500 रुपए कम आपको देखने को मिल जाए, तो मतलब ये फोन आपको 14 या 14,500 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाएगा।
14,000 रुपए की प्राइस में अगर ये इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेकर के आता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले लेकर के आता है और आपको स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर लेकर के आता है, तो ये फोन पूरी मार्केट को हिलाने वाला है। आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप इंटरेस्टेड हो इस Realme 3 Pro को लेकर के। लॉन्च होना है वो अप्रैल के महीने में लॉन्च होना है और ये कंफर्म हो गया है, या तो आपको फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा या आपको ये सेकंड वीक में देखने को मिलेगा, मतलब अप्रैल के हाफ तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। Realme 3 Pro कुछ ऐसा ही होने वाला है आपका Realme 3 Pro। आपको इस फोन में सबसे ज्यादा अच्छा फीचर्स कौन सा लगा है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि इससे ही मिलने वाली है आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड टाइम।